हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी जैन के ऑल इन वन चैनल पर। आज मैं आपको कोफ्ते की सब्ज़ी की वाह रेसिपी बताऊंगी। जी हाँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ता की सब्ज़ी। शुरू करते हैं कोफ्ते की सब्ज़ी की हाँ तो रेसिपी। फ्रेंड्स, कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश एक लौकी ली है। लगभग ये 500 ग्राम लौकी है। हम इसका छिलटा निकाल के इसे एकदम बारीक वाले ग्रेटर से एकदम बारीक ग्रेट करना है। अब हम इसे इस तरीके से किस लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने लौकी को अच्छे से बारीक किस लिया है। अब हम इसे दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, इसमें से इस पानी निकल रहा है। इसे दबा दबा के सारा पानी इसमें से निकाल लेना है। अब इस लौकी की किस में हम कुछ मसाले मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/8 स्पून हल्दी, हल्दी कम डालना है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, इसमें इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन मिक्स करेंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारे कोफ्ते एकदम बढ़िया बन जाए। एकदम से सारा बेसन ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छे से मिक्स करें और इसका एक डो रेडी कर लें। जैसे हम सॉफ्ट आटा गूंथते हैं, वैसे आटा गूंने जैसे कर लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है आटा। इसमें नमक सबसे लास्ट में मिलाएंगे, क्योंकि नमक मिलाने से इसमें लौकी में और पानी छूट जाएगा। आप देख सकते हैं, हमने 1 कप फुल बेसन पूरा मिक्स कर लिया है, काफ़ी ये सॉफ्ट है। हम इसमें अभी 1/2 टीस्पून नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। नमक को अच्छे मिक्स कर लेंगे। अब हम कोफ्ते को डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल को अच्छे गर्म होने देंगे। हो गए, हम अभी इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरीके से हम इसमें फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम सारे डाल लेंगे। जैसे हम बड़े बड़े पकौड़े बनाते हैं, उस टाइप से ये डाल लेना है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा बेसन मिला के ऐसे लोई के जैसे बनाकर वैसे भी बॉल्स बना के भी तल सकते हो, लेकिन उससे ना वो इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें बेसन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसे इस तरीके से डालें। जैसे हम कोफ्ते ऑयल में डालते हैं, उसे तुरंत हिलाए नहीं, थोड़ी देर फ्राई होने दें, उसके बाद उसे हिलाएं। इसको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, हमारे कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी करी कर लेंगे, कोफ्ता करी की। इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हम कढ़ाई में से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी कर लेंगे। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, बाकी का ऑयल हमने निकाल लिया है। हमारा ऑयल गर्म ही है। हम इसमें अभी डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए हैं, उसे मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट किया है। 2 टोमेटो लिए मीडियम साइज़ के, लगभग 3 से 4 हरी मिर्च लिए है, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, 6 से 7 कैशोनट्स लिए हैं, उसको मैंने टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ा सा कोकोनट लिया है और थोड़े खड़े मसाले लिए। खड़े मसाले मैंने यहाँ पर 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सौंफ, हरी इलायची, 2 हरी इलायची और लगभग 2 लवंग लिए है। हमारा जीरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को बिल्कुल हल्का हल्का भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। इसका कलर एकदम डार्क होने तक नहीं भुनना है। आप देख सकते हैं, हमारा प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है। कोकोनट डाला है पहले, और ये अब हम इसमें कैशू नट्स भी डाल लेंगे। इसी साथ में मैंने यहाँ पे जो अदरक और हरी मिर्च लिए, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने ये जो टोमेटो कट करके रखे हैं, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। टोमेटो भी हम इसमें भून लेंगे थोड़ा सा। इसके साथ में ये जो हमने खड़े मसाले लिए, वो भी हम इसमें डाल लेंगे। सबको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें
लगभग पाव कप पानी डालेंगे और इसे एक ढक्कन रख के पका लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बस तब तक ही हमें पकाना है इसे। इस तरह से हम यदि ग्रेवी को पकाते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत अच्छी टेस्ट आती है। ये जो हमने खड़े मसाले डाले हैं, यदि आपको कम टेस्ट चाहिए हो तो हम इसे पीसते वक्त निकाल भी सकते हैं, या फिर अच्छी टेस्ट चाहिए हो तो हम इसे इसके साथ में भी पीस सकते हैं। हम इसमें पानी डाल के पकाते हैं तो इसकी सारी टेस्ट हमारी ग्रेवी में आ जाती है। अभी हम इसे और लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फ्रेंड्स लगभग 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं, लगभग पूरे टोटल हमने इसे 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, हमारे टोमेटो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से दब रहे हैं। अब हम गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए इसे रखेंगे और उसके बाद में इसकी एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हमें इसे मिक्सर के जार में डाल के एकदम फाइन पेस्ट कर लेंगे। यदि आपको मसाले कम चाहिए हो तो आप इसमें से कल जो हमने खड़े मसाले डाले वो आप निकाल सकते हो। एग्जांपल में ये तेज पत्ता, यदि आपको नहीं चाहिए तो निकाल सकते हो, बट मैं इनके साथ में ही इसे पीसूंगी, इसे टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगी। इसके लिए हमारी एकदम बढ़िया पेस्ट रेडी हो चुकी है, ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में लगभग 4 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, हम इसमें 1/4 टीस्पून राई डालेंगे। राई को अच्छे से चटकने देंगे, इसके साथ में 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। राई जीरा अच्छे से चटक चुका है, अब हम इसमें लगभग 4 से 5 करी लीव्स डालेंगे, ज़्यादा करी लीव्स नहीं डालना है। अब हमने ये जो पेस्ट रेडी करके रखे ये हम इसमें डाल लेंगे। इस ग्रेवी को हम लगभग 3 से 4 मिनट तक के पका लेंगे ऑयल में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ऐसे कलर आ रहा है, मसाले को ऑयल भी छूट रहा है। हम ग्रेवी को ढक्कन रख के पकाएंगे ताकि जल्दी पक जाए। हमारी ग्रेवी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे में थोड़े सूखे मसाले मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1/8 स्पून हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वादानुसार, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून क्रीम, आप कोई भी क्रीम ले सकते हो, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम से इसमें बहुत अच्छी टेस्ट भी आती है और शाइन भी अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल लेंगे। यदि आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए हो तो आप पानी कम डाल सकते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी ना करें, क्योंकि तो कोफ्ता डालने के बाद में ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। इसे अच्छे से उबलने देंगे। इतना बढ़िया कलर आया है इसे, हम इस पर ढक्कन रख के इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देंगे और फिर इसमें कोफ्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी अच्छे से उबल चुकी है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया इसे कलर आ चुका है। हमने ये जो कोफ्ता रेडी करके रखे, अब हम इसे ग्रेवी में डाल लेंगे। लगभग 2 से 2 मिनट इसे हम पकाएंगे सिर्फ, और गैस को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे मैंने हरा धनिया और क्रीम के साथ डेकोरेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।